हिमाचल की कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लाहौल स्पीति से कांग्रेस विधायक रवि ठाकुर पर भाजपा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर रामलाल मारकंडा ने शनिवार को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि रवि ठाकुर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आशीष शर्मा के माध्यम से क्षेत्र के विधायक पूरे लाहौल में कमीशन उगाही करते रहे, हर काम का कमीशन फिक्स है। रामलाल मारकंडा ने कहा कि वो इसकी शिकायत मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से करेंगे और विजिलेंस को भी शिकायत करेंगे। मैं आज आप सबके समक्ष लाहौल का एक स्पीति का जो विधायक के अगेंस्ट एक भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके आया हूँ, जिसके मेरे पास जो है कागजात भी प्रमाणित कागजात पड़े हैं, मैं आप सभी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। साथ में एक साल का कार्यकाल लाहौल स्पीति का विधायक का रहा है। हर दिन गली कूचे में हर जगह चर्चा हुआ करता था कि लाहौल स्पीति का विधायक पूरे लाहौल के अंदर पैसे का उगाही कर रहा है, भ्रष्टाचार फैला के बैठा है, हर विभाग के अंदर कमीशन फिक्स करके बैठा था। उनका अपना एक निजी इम्प्लॉय जिसका नाम आशीष शर्मा था, पीए के रूप में, ड्राइवर के रूप में, एडवाइजर के रूप में वो काम करता रहा, सोशल मीडिया चलाता रहा है। और उस व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का ही महामंत्री संजय कटोच, उन्हें को निकाला। उसे स्पष्ट लिखा गया है कि व्यक्ति जो है, मैं आपको ये सारे पत्रकारों को इस कागज देने वाला हूं प्रमाण के साथ, कहा गया कि ये व्यक्ति जो है पैसे इकट्ठे कर रहा है, उगाही कर रहा है और सोशल मीडिया पर डाला गया, सब अधिकारियों को, लाहौल स्पीति के अधिकारियों को भेजा। और मुझे किसी अधिकारी के माध्यम से मिला। उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद आशीष शर्मा ने दोबारा फिर से खंडन किया कि मैंने कहीं पैसे इकट्ठे नहीं किए, कहीं नहीं लिया। वो कहता है लाहौल स्पीति कांग्रेस के महासचिव संजय कटोच ने हाल ही में मुझ पर यह आरोप लगाया था कि आशीष शर्मा रवि ठाकुर के नाम पर लोगों से पैसा ले रहा है, जिससे सिरे से खारिज करता हूं। यही नहीं, उन्होंने ये भी अपने पोस्ट में लिखा था कि आशीष शर्मा का अब रवि ठाकुर से कोई वास्ता नहीं है और ना ही वो इनके काम करते हैं। मैं ये स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि संजय कटोच एक व्यक्ति जो भी आगे लाए जो ये कहें कि आशीष ने रवि ठाकुर के नाम पे पैसे लिए हैं, जिस व्यक्ति ने आपके साथ दिन रात काम किया हो, आज आप इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। जनता को सब पता है ठेकेदारों से कौन पैसे लेता है, ठेकेदारों के ठेके के नाम पर हर जगह पैसे लोगों ने कमीशन फिक्स करके रखी है नीचे से ऊपर तक। ये आशीष शर्मा लिखता है कि लाहौल स्पीति के अंदर जितना उगाही हो रहा है, जितना विभागों पे, आगे विभागों के नाम विभाग भी लिखा है विभागों के नाम पे, ये सारे जो है रवि ठाकुर करता है, प्रमाणित हो चुका है। लाहौल स्पीति में आज तक कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा है। लाहौल स्पीति में आज तक जितने नेता रहे हैं कभी इस तरह से लांछन नहीं लगे हैं। पहला व्यक्ति है, इससे पूर्व कई भी लांछन लगते रहे हैं। कई जगह कहा जाता था अधिकारियों के नाम पे कि अधिकारियों से पैसे बटोर रहा है, अधिकारियों ट्रांसफर लगातार। स्पीति में तीन तीन एक्सिन पीडब्ल्यू के ट्रांसफर हुए, लाहौल में दो दो आईपीएच के तीन एक्सिन ट्रांसफर हुए। अधिकारियों को ट्रांसफर करना, पैसे का गायब होता रहा है। परंतु ये इससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के अंदर जो है उसका अपना प्राइवेट सेफ्टी को रखा, पीए रखा, ड्राइवर रखा, जो वो काम करता था उसे निकाला गया भ्रष्टाचार के नाम पर। मैं स्पष्ट रहे क्या कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि रवि ठाकुर का ये पेशा रहा है। यहां मैं दो पत्र लेके आया हूं, एक पत्र मैं आपको और देने वाला हूं। रवि ठाकुर ने 26 अक्टूबर को एक पत्र मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है। इसमें ये कहता है कि लाहौल स्पीति के अंदर आईपीडब्ल्यू विभाग के अंदर जो है बहुत से ठेके लग रहे हैं और वो जो इसमें बहुत ज्यादा अनियमितता पाई गई है, इसको बंद किया जाए, क्योंकि वहां पर उसको कमीशन नहीं मिला करता था। उसके बावजूद कम से कम जो है लाहौल का बजट 21 करोड़ का बजट, पीडब्ल्यू का बजट है 80 करोड़ का टेंडर लग चुका है।
दुख इस बात का है 60 करोड़ रुपए का लाहौल स्पीति में लाइबिलिटी खड़ा हो चुका है। मैं इस आरटीआई लगाने जा रहा हूं बहुत जल्दी कि ये किस तरह से भ्रष्टाचार पनप रहा लाहौल के स्पीति के अंदर। और स्पीति के अंदर दुख का विषय यह रहा है, दो एक्सिन, एक एक्सिन को स्पीति आपका रामपुर रखा गया, पीडब्ल्यू का एक्सिन, वहां से वो मॉनिटरिंग कर, वहां से वो चला रहा है स्पीति को, 4 महीने वो ट्रांसफर किया जाता है। फिर एक्सिन जो है कल्पा रखा है, कल्पा से स्पीति को देखता रहा। और रवि ठाकुर ने एक चीज और कहा चुनाव के समय में, भी पत्र आपको लेकर देखा, रवि ठाकुर कहता रहा कि लाहौल स्पीति के अंदर मारकंडे के समय में जब मैं मंत्री था कि उसमें जो है रोड वाइंडिंग हो रहा, बैक कटिंग हो रहा है, ये रोड वाइंडिंग रोड कटिंग क्यों होता रहा है लाहौल के अंदर, इंटरनेशनल लेवल का जो मैंने वहां पर जो है आइस स्केटिंग करा था, 4 साल निरंतर कराया हमने स्केटिंग वहां कराया हमने, मेरे लाहौल के स्पीति के बच्चे जो है नेशनल लेवल थर्ड सेकंड पोजीशन में रहे हैं, आइस स्केटिंग के लिए जो है जापान तक पहुंचे हैं स्कीइंग के लिए। और रवि ठाकुर जैसे एमएलए बना, आज सारे पीडब्ल्यू के अंदर बैक कटिंग काम हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, मेरे समय मैंने बैक कटिंग का काम नहीं किया, क्यों किया है, क्योंकि वहां पर जो है रोन बियर के लिए नेशनल लेवल के लोग वहां पहुंचते थे, हमने सनो राइडिंग वहां कराया है, रोड का सड़कों का वाइंडिंग होना जरूरी था। और वहां पर जो है मैं आज इस आपके मैं अनुराग ठाकुर का धन्यवाद करना चाहूंगा। अभी हाल ही में उन्होंने रॉयल इनफील्ड और आयशर कंपनी के माध्यम से जब 2-3 साल निरंतर जो है लाहौल स्पीति के अंदर नेशनल लेवल का आइस हॉकी वहां होता रहा है। पिछले साल सरकार परिवर्तन के बाद आइस हॉकी का काम बंद हो गया था, मैं उनसे दिल्ली मिला कि सर हम चाहते हैं, सरकार तो कुछ करने वाली नहीं है, ना विधायक कुछ करने वाला, पैसा इनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने 25 लाख रुपए जो है स्पीति के बच्चों के लिए हर गांव में, हम मेरे समय में वहां पर 6 जगह हमने आइस हॉकी के लिए जो है वहां पर फील्ड बनाए, ग्राउंड बनाए, खेलने बच्चों के लिए स्टफ्स बनाए, वहां तैयार किया, इसीलिए रोड चौड़ा किया गया था। वहां पर यह कि पीडब्ल्यू आईपीएच के अंदर जो है वहां पर आप चर्चा करें कि हर परसेंट 10% रवि ठाकुर कमीशन लेता है, 10% कमीशन फिक्स करके रखा है हर विभाग के अंदर। जो मैंने जैसे आपको कहा, जब आपका 80 करोड़ रुपए का जो है टेंडर पीडब्ल्यू के अंदर लग चुका हो, आईपीएच के अंदर बजट कटौती 80% कटौती लास्ट टाइम लग चुका है, आज उसमें टेंडर धड़ाधड़ से लग रहे हैं, मैं ही कहूंगा करोड़ों का ये गेम है इनके पास, भ्रष्टाचार का जो है हर सर सीमा तोड़ चुके हैं ये लोग। आपने क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की है, क्योंकि बिजनेस जांच की आपने मांग की है? अभी भी आज करूंगा मैं पहले प्रेस मीडिया से मिला हूं, मीडिया के छपने के बाद मैं मुख्यमंत्री को कहूंगा और मैं बिजनेस को भी दूंगा। अभी तक आपने बिजनेस को लेकर भी नहीं लिखा है? नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा मैंने अभी तक। कितना भ्रष्टाचार लगता है, कितने पैसे का इसमें किया? मैं ये कहना चाहूंगा, जहां पर पीडब्ल्यू के अंदर 80 करोड़ का टेंडर लग चुका हो, 10% कमीशन लेकर ले चले आप, उससे पीडब्ल्यू आईपीएस के आंकड़ा कहां पहुंचता है बताइए आप। ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने सब प्रमाणित किया है, क्योंकि जो प्राइवेट सेफ्टी था पैसे इकट्ठे करता हुआ ही करता था, इससे स्पष्ट हो चुका है। चर्चा तो गांव में होता था, जब सभी अधिकारी कहते थे चर्चा हो रहा है, आप प्रमाणित है ये प्रूव कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने कहा है, जिस पीए को रखा था वो पैसे का अगुवाई करता था, उसको निकाल दिया है, और पीए ने भी जवाब दे दिया है कि मैंने पैसे इकट्ठे नहीं किया, मैं जानता हूं पैसे उगाई है आप लोग खुद करते थे ठेकेदारी के नाम पे, नीचे से ऊपर तक उगाई करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।